हमारी आज की डिश है पंजाबी कढ़ी। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 2 कप दही, 2 प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच बेसन, सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये हमने मेथी दाना लिया है और जीरा, और ये है टमाटो प्यूरी। ये हमने कुकर में 2 स्पून सरसों का ऑयल लिया है और उसे हमने थोड़ी देर पकाया है ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। अब हम इसमें ये जीरा और मेथी दाना डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे, फिर हम उसमें ये अनियन पेस्ट डालेंगे। अनियन पेस्ट को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। पेस्ट को हमने धीमी आंच पर ही भूनना है, ध्यान रखें जब तक ये भून रहा है। मेन वाइल हमने ये 2 कप दही लिया है और ये हमारा बेसन है, इसको हम मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। हमारा मसाला भून रहा है, जब तक मसाला भून रहा तब तक हम ये पकौड़ों के लिए बेसन लेंगे। इसमें मैंने सॉल्ट, चिली पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिक्स किया है, उसका हम बैटर बनाएंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। ये देखिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। धीमे से भूनेंगे इसे। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, सॉल्ट, मिर्च, हल्दी और अमचूर पाउडर। ध्यान रखें सॉल्ट कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पकौड़ों में भी डाला है। ये हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और फिर ये जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया है ये इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 गिलास। कड़ी पकने के बाद ही थिक हो जाएगी। जब तक ये कड़ी पक रही है तब तक हम पकौड़े बनाएंगे। ये हमने तेल गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, हम चेक करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा 1 बूंद बेसन डाल के देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है ये तेल। अब हम पकौड़े इसमें बनाएंगे। ये हमारे पकौड़े पक चुके हैं, इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। ये हमारे पकौड़े रेडी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस कढ़ी में मैंने 1 प्याज लंबा लंबा पतला पतला काट कर डाला है, और अब इसमें मैं ये 1 आलू के पतले पतले चिप्स काट कर डाल रही हूँ।
और ये हरी मिर्च भी इसमें कढ़ी में ऐड होगी। ये हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ये पकौड़े डालेंगे। ध्यान रखें जब कढ़ी 80% डन हो जाए तब उसमें हम ये पकौड़े ऐड करेंगे ताकि वो 20% जो है वो पकौड़ों के साथ पके। ये हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसे चोखा लगाएंगे, ये साबुत लाल मिर्च का और चिली पाउडर का। थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने और ये दोनों मिर्च इसमें हम डाल देंगे। हल्का सा हिलाएंगे और झट से हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे ताकि मिर्च जल नहीं जाए। ये हमारी कढ़ी रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये पंजाबी कढ़ी की रेसिपी पसंद आए। आप इसे चावल के साथ परोस सकते हैं। प्लीज़ आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।